नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दिशेश उपाध्याय। केरल में हुई गर्भवती अतनी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। केरल जैसे साक्षर राज्य में हुई बेजुबान के साथ इस शर्मनाक हरकत के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दुनिया भर से लोग मांग कर रहे हैं कि इन जाहिलों को ढूंढकर ऐसी सजा दी जाए जो एक नजीर पेश करे। इंसानियत के दुश्मन बने गर्भवती अतनी के हत्यारों को लेकर देश के लोगों में कितना गुस्सा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वेबसाइट change.org पर 24 घंटे में 927 लोगों ने पिटीशन डाली है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग के साथ 13 लाख से ज्यादा लोगों ने इन पिटीशन को समर्थन दिया है। अब खबर है कि गर्भवती अतनी की मौत के मामले में पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस ने विल्सन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दो और संदिग्धों से पूछताछ अभी चल रही है। ऐसे में इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। उधर CMP विजयन ने कहा है कि घटना की जांच कर रही केरल पुलिस और वन विभाग की अपराध शाखा की टीम ने घटना स्थल का दौरा किया और सबूत जुटाए। न्याय काम करेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। बता दें कि गर्भवती अतनी जब खाने की तलाश में जंगल के पास एक गांव पहुंची तो वहां को जाहिलों ने पटाखे से भरा अनानास खिला दिया था। विस्फोट के कारण गर्भवती अतनी के जबड़े टूट गए थे। दर्द इतना बड़ा कि वो खाना पीना नहीं ले सकी। कमजोर पड़ी और पानी में ही डूबकर मर गई। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अतनी पलक्कड़ जिले के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में रहती थी। अतनी की मौत पर उठती आवाज के बीच वन विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है। अतनी के कातिलों को पकड़ने के लिए SIT टीम भी गठित की गई है। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक 27 मई को अतनी की मौत की घटना के संबंध में 3 संदिग्धों से पूछताछ की गई। 2 अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। तो वे गर्भवती अतनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें अतनी की मौत का कारण फेफड़े में पानी भरना बताया गया है। पानी में डूबने की वजह से उसके शरीर के अंदर काफी पानी चला गया था, जिसके कारण फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि विस्फोटक के कारण अतनी के मुंह पर घाव हुए। अतनी कई दिनों से भूखी रही और 10 से 12 दिनों तक काफी दर्द में थी। इस दर्द के कारण वो भोजन पानी भी नहीं ले सकी, जिसके कारण वो कमजोर हो गई थी और पानी में गिरकर डूब गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। अब सवाल यह है कि हिंदू धर्म की संस्कृति और उनके पूजनीय प्रतीक चिन्हों पर हमला क्यों किया जा रहा है? क्या ऐसे करके कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।